बे तू? क्यों आज नहीं आने वाला क्या? अरे एक मिनट रुक यार, तेरी आवाज नहीं आ रही है, पता? एक मिनट। रुक मैं करता हूँ तुझे फिर से फोन। चलो रे देखते क्या नाटक है। ए बंद कर रे, ए चले बंद करा, चला क्या ये फालतू का गाना बजाना लगा रखा है तुमने सड़क के बीचों बीच? हाँ अपने को फोन में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ए आज अपन के भाई का बर्थडे है, समझा क्या? जोस्ती नाटक नहीं मांगता तेरा। हाँ तो जो बर्थडे मनाना है अपने घर में घुस के मनाना। सुन ले, हद से आगे बढ़ रहा है तू। देखो ये येड़ा अपने को हद सिखा रहा है। ए छोटे इसे खर्चा पानी देते हैं, चल चले हटो। साले कमीने, आज भाई का जन्मदिन है, जानता है ये करोड़ों के भगवान है भगवान, और ये हम लोगों के दिलों में धड़कते हैं दिलों में। आज ये नहीं है तो क्या हम इनका जन्मदिन भी नहीं मना सकते? इसकी सजा तो तुझे हम तो शांति से बर्थडे पार्टी मना रहे थे, अब जब बर्थडे पार्टी मना रहे हैं तो गाना बजाना डांस वांस तो चलता ही रहेगा ना। इसमें ये भाई बीच में टांग अड़ाने आ गए, इसके डर से बर्थडे पार्टी ना मनाए क्या? तुमने कभी बर्थडे पार्टी मना रहे थे? मुझे डांस करना बहुत पसंद है। क्या बात है? ए मावाली, लोग पार्टी मना रहे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? एक तू ही ना उल्टे हाथ पर सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। भाई ये तो धमाल है। चलो चलो पार्टी सेलिब्रेट करते, जल्दी चलो। चलो चलो इसे भी ले लो। ए सुनो गाना बजाना शुरू करो। बारिश तो मुझ जैसे धोती पहनने वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नीचे पहले ही एसी चल रहा है और इस बारिश के मौसम में टेम्परेचर और डाउन हो गया है। कहीं ऐसा ना हो इस ठंड की वजह से मेरी झनकार बेकार हो जाए। अरे छोड़ो, तुम्हारी ये गोल मोल सी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अरे रे रे, मैं समझा भी नहीं सकता, उसके लिए कुछ कुछ होना चाहिए। जरा सुनिए,
ये तकरार कहाँ से आ गया इस वक्त? तुम्हारी जिंदगी के शुरू में ये बेसुरा कहाँ से फिट होगा? जब तक झनकार तुम्हारे साथ है तुम जमाने को इनकार कर सकती हो। मेरे बारे में बात कर रहे हो? अरे मेरे बेसुरे, अब बताओ ना मेरे बारे में क्या कह रहे थे? सुनेगा? बता दूं? सुनकर तेरे सारे तार हिल जाएंगे। चलो तुम्हें मुफ्त की एक सलाह देता हूँ, अगर तुमने इसके साथ सुर मिलाए तो तुम्हारी जिंदगी का तबला बज जाएगा। कौन बजाएगा? वो नहीं अब वो मैं नहीं बता सकता। क्यों जी, क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देती। मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ। अच्छा, वैसे खाली तो मेरी खुली भी है। साथ चलोगे क्या? अपने बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी पाली है। बात ऐसी है कि अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि मैंने चट मंगनी पर शादी और बच्चों तक की प्लानिंग कर ली है, तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। ये तो बड़ा चालू इंस्ट्रूमेंट है, सीधे शहनाई बजा रहा है। इसका तार तो बीच में ही काटना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि पापा वेट कर रहे हैं घर पे, चलो जल्दी। अजी कहाँ जा रही हो जी? I'm sorry, पर मुझे तुम्हारा नाम तो जानना ही पड़ेगा। इसलिए? अब तुम मेरी बीवी बन रही हो तो अच्छा होगा मैं तुम्हारा नाम जान लूं, वरना ए जी सुनो जी ऐसे कह के तुम्हें बुलाना पड़ेगा। नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं ही गेस कर लेता हूँ। दामिनी, कामिनी, मधुमती, सत्यवती, फूलमती। फिर गई है तेरी मती। बंद करिए बकवास, इसका नाम है बहुत ही खास, मानसी। मानसी? अच्छा नाम है। हेलो, तेरा नाम क्या है? माधव कुमार, वैसे प्यार से लोग मुझे माधव भी कहते हैं। माधव और मानसी, ऐसा लग रहा है इन दोनों के सातों सुर सेट होने वाले। सुनो, मैं कह रही हूँ मेरा पीछा करना बंद कर दो। मैं पीछा करना नहीं चाहता, मैं तो आगे चलना चाहता हूँ, बस तुम एक बार हाँ कह दो। मैं ये कह रहा था कि पापा गुस्सा होंगे, जल्दी घर चलो। सुना ना, पापा देंगे लाफा। खा लूंगा। छोड़ो उसे, जल्दी घर चले, पापा वेट कर रहे होंगे। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। इसकी कसम खा के कहता हूँ, मैं हूँ बहुत बड़ा डॉन। दिस इज माई ट्रू फ्रेंड। भाई माथुर साहब आ गए। तो ये है आपके सपूत। देख भाई, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने का नहीं। क्यों लड़के, इज्जत से समझा रहा हूँ, नो लव। माँ बाप जिससे कहे चुपचाप उससे शादी कर लेने का। पापा? ओ, मेरी बेटी मानसी आ गई। ये देखो, बच्चे ऐसे होने चाहिए, इससे कुछ सीखो तुम। मैं जिस लड़के पर उंगली रख दूंगा, मेरी बेटी आंख बंद करके उसी लड़के से शादी कर लेगी, समझ गए? नहीं तो दोनों का। मानसी, अब ये कौन है? अरे बहुत गलत टाइम पे आया, इसका तबला तो बज के रहेगा। ए, क्या काम है? मैं मानसी का पापा, ये मेरा दोस्त है पापा। ये तेरा दोस्त है? तू सच कह रही है ना? हाँ, बात है, दोस्ती बन गया। ओए, ये फूल किसके लिए लाया? ये फूल तो आज इनका जन्मदिन है ना, इसलिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्यूट बॉय। आज इसका बर्थडे? हाँ पापा, मैं भी भूल गई थी। इसे तो मेरी जन्म कुंडली ही बदल दी, पता नहीं आ गई कौन से तार छेड़ेगा। से मानसी बेटा, तेरी मां नहीं है इसलिए मैंने तुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है।
ये जो प्यार व्यार का चक्कर है इसमें तुम कभी मत पड़ना, बेकार है ये। बेटी के हाथ में बाप की इज्जत होती है, चाहो तो संभाल सकती हो या उछाल भी सकती हो। पापा ऐसी वैसी कोई बात नहीं है पापा, मैं तो बस ऐसे ही मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सो जाओ। यहाँ क्या कर रहा है? सोचा साथ पढ़ लेंगे। देख तेरे बाप ने तुझे यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है, इसलिए पढ़ाई कर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ साथ में मेरा बस एक छोटा सा काम करना होगा, मेरी बेटी मानसी पर नजर रखना, वो किस किस से मिलती है उसकी कंप्लीट डिटेल मुझे ला कर दो। बेटा अगर तूने ये काम नहीं किया तो मेरे पास एक इतना मोटा लोहे का सलिया है, उसे गर्म करके। मैं समझ गया, मतलब ओनली इनकमिंग अलाउड, नो आउटगोइंग पॉसिबल। ऐसे में तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा ना, कोई भी बात होगी तो मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी ना। बतानी ही पड़ेगी, जरूर बताऊंगा। चल निकल। ए, तुम अपने बाप को उस लड़के के बारे में बताती क्यों नहीं हो? कैसे बताऊं, बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हारे सुर सेट करने के चक्कर में मेरे सारे सुर बेसुरे हो जाएंगे, टूटी किस्मत इधर से या उधर से मेरा बजना तो तय है। ए, ऊपर वाले सुन ले मेरी गुहार, बाप बेटी के चक्कर में लगता है ना बच पाएगा ये झनकार। वैलेंटाइन्स डे नहीं है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ कि आज वैलेंटाइन्स डे नहीं है मानसी, पर क्या फर्क पड़ता है, सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए तो हर दिन वैलेंटाइन्स डे होता है। जब तुम्हारा दिल करे तब वैलेंटाइन्स डे मना लो। हट, ये तो बिल्कुल ही पागल है। अरे मानसी, दोबारा अगर मेरा नाम पुकारा ना मार डालूंगी तुम्हें। अरे जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना, अगर उसका नाम एक बार भी प्यार से ले ले तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत की सैर कर ली, उसे एक नाम में पूरी बोतल का नशा होता है, किक मिलती है किक। ओ, अच्छा अच्छा छोड़ो, कहाँ जा रही हो? मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, चलोगे मेरे साथ? क्या बात है, साथ मरने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पता है जब हम लोग मर जाएंगे ना तो लोग हमें लैला मजनू की तरह याद करेंगे, शायद हमारी याद में भी एक बड़ा सा ताजमहल बन जाए, हम कितने फेमस हो जाएंगे। नहीं चल चलो जल्दी मर जाते हैं। ए पलट, ए पलट, चल भाग, चल भाग। वाव कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी शांति है यहाँ। सच में शहर की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से मैं परेशान हो गई थी। वो देख वहाँ ऊपर, कहाँ? वहाँ असली ड्रामा तो वहाँ चल रहा है। आपस में बात, क्या जमाना आ गया, पैसा मिलते ही लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। थु। अभी तो हमारी शादी भी कंप्लीट नहीं हुई। यार ये साइको तो यहाँ भी आ गया। तुम दोनों को जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, चलो यहाँ से। ए, रुको, कहाँ जा रही हो? फैंसी ड्रेस में जा रहे हो? फैंसी ड्रेस नहीं, आज तो मैं अपनी जिंदगी का कंपटीशन जीतने आया हूँ। हाँ। तुम बस हाँ कर दो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर वालों को हम बाद में मना लेंगे, और हनीमून कहाँ मनाना है ये भी डिसाइड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम।
क्या ख्याल है? नहीं ना, ये क्या है? ए, ये क्या कर रहे हो? खुद खाओ, मुझे क्यों खिला रहे हो? माफ करना भाई साहब, वो बॉटल का ढक्कन खुला रह गया तो पानी आप पर गिर गया। ए, मुझे बेवकूफ समझ रखा है? पानी चिपचिपा थोड़े ना होता है। ओह, तब तो डबल सॉरी, शायद गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसी का रस गिर गया है आप पर। ए, गुलाब जामुन खा रहे हो ना तो अपने मुंह में डालो, मेरे शर्ट को खिलाने की जरूरत नहीं है। मेरी शर्ट देखो। चलो अब छोड़ो इस बात को, तुम आगे सुनाओ कि तुम्हारी लव स्टोरी में क्या हुआ। भाई, इसके प्रपोज करने का तरीका तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि आखिर तुम इससे भाग क्यों रही थी। नहीं, वो बात हाँ, हाँ, पता है क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उस गुलाब जामुन वाले ने बीच में ही इंटरवल कर दिया ना। मुझे जो है ना, प्रेम कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। वो मैं, अरे ये क्या, बातों ही बातों में मेरा स्टेशन तो आ ही गया। वहाँ स्टेशन के पास नहीं मेरा घर है, तुम लोग साथ में उतरो और मेरे घर में खाना वाना खाकर फिर जाना। अरे नहीं नहीं भाई, वैसे जाना कहाँ है? हमें बस थोड़ी दूर रामपुर तक जाना है। फिर तो उतरना ही पड़ेगा, शाम की गाड़ी से तुम चले जाना। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, ऊपर वाला भी चाहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओ।